हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरूस ऑटोमोटिव और मैं कुंतल आज फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो ई रिक्शो है इसको एक्सेलेटर मारने से बहुत ही बुरा आवाज़ आ रहा है। तो अभी जो है बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए जो है मोटर में पानी ज़्यादा से ज़्यादातर घुस जा रहा है और उसकी वजह से जो है आपका मोटर का सेंसर खराब होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में एक्सेलेटर मारते हुए गाड़ी आगे नहीं जाएगा, गाड़ी को थोड़ा धक्का दीजिएगा तो तब गाड़ी चलेगा। तो इसके लिए हमें जो करना है, पहले हमको ऊपर से इस मोटर का सेंसर जो है इसे माप लेना होगा। तो ये तीन वायर भी आप देख सकते हैं, इसमें अगर कोई काट गया, मतलब छूट गया है, हाँ जल के अलग हो गया, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं और उस कंट्रोलर के साइड से भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, मोटा जो मोटर का वायर है उसके बाद जो है आप होल सेंसर के जैक में आ जाइएगा। तो पहले आपको लेना होगा एक मल्टीमीटर और उसको जो है ओम्स मोड में दे देना होगा, मतलब जिसको बोलते हैं बार्जार मोड, या शॉर्ट करने में नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट करने में आवाज़ होती है। तो उसके बाद जो है होल सेंसर के जो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव वायर है उसमें मीटर का पॉजिटिव पहले डाल देना होगा। उसके बाद जो है तीन वायर, ब्लू येलो एंड ग्रीन, तीन वायर जो है उन तीन वायर को ठीक से मापना होगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसका नेगेटिव जो है होल सेंसर का, उसमें मेरा मीटर का पॉजिटिव पहले से ही फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो है तीन वायर जो है पतला वाला मोटर का होल सेंसर जिसको बोलते हैं उसको हम मापेंगे। तो आप देखिए इसका होल सेंसर जो है पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला जो है वो भी ठीक है, और तीसरा वाला जो है ठीक से पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, देख सकते हैं वो भी ठीक है। मतलब जो है इसका पानी मोटर के अंदर पानी ज़्यादा नहीं गया, और मगर ये जो होल सेंसर है इसमें कई लूज मार रहा है, इसलिए जो गाड़ी है सेंसर का प्रॉब्लम बता रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो होल सेंसर का जैक है इनको हम थोड़ा टाइट करके लगा देंगे। इसके लिए जो है हम कोई सुई जैसा से वो जो पिन है थोड़ा साइड में कर देंगे, इससे जो है टाइट हो जाएगा। तो चलिए अब जो है हम होल सेंसर को फिर से लगाते हैं। अब देख सकते हैं पानी में ऑयल नहीं घुसा, ऑयल घुसने से ये जो पानी मोटर है वो पूरा एकदम भिगो भिगो जैसा रहता है। तो आप देखिए एक्सेलेटर मारने से गाड़ी स्टार्ट हो गया है, मतलब जो है इसका होल सेंसर का प्रॉब्लम अंदर से नहीं है, बस जैक में थोड़ा प्रॉब्लम था और उसके वजह है बैटरी में ज़्यादा पानी देने से वो पानी ओवरफ्लो होके होल सेंसर के जैक में आ रहा है। ठीक है, बैटरी जो है इसमें ज़्यादा पानी पड़ गया था, देख सकते ये जो पानी है छिड़का के होल सेंसर के अंदर आ गया था। प्रॉब्लम इसका यही है, बरसात का कारण भी हो सकता है और बैटरी से पानी पड़ा है इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसके बारे में पूरा समझ गए। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो वीडियो मैं यहीं पे अंत करती हूँ, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो दोस्त मेरा नया है चैनल को